हेलो एवरीवन, आज हम क्या जानेंगे? एक कहानी। यह कहानी है एक नौका की। एक दिन पिता अपने बेटे के साथ रास्ते में टहल रहे थे। चलते चलते बेटे को अचानक एक दुकान में कुछ दिखाई दिया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। पिता ने कहा, क्या चाहिए? बेटे ने कहा, उस दुकान पर जो नौका रखी हुई है वो मुझे बहुत पसंद है। पिता ने कहा, तुम्हें ये चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में दिलाऊंगा। यह सुन बेटा मायूस हो गया। फिर वह दोनों घर चले गए। पिता उस नौके के बारे में सोच रहे थे जो उनके बेटे को चाहिए था। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपने बेटे के जन्मदिन पर उपहार के रूप में उसे वह नौका देंगे। पिता उस दुकान पर जाकर नौका खरीद कर ले आए और उसे उपहार के रूप में तैयार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे वह उपहार दिया। वह उपहार लेकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से वह उपहार खोला और नौका देखकर अपने पिता से कहा, मैंने आपसे कहा था और आप सच में ले आए। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटे ने पिता से कहा, मैं इस नौके को समुद्र के किनारे तैराना चाहता हूँ। पिता ने कहा, तुम इसे तैराना चाहते हो? ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर पिता अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले गए। वहां उसे छोड़कर पिता ने कहा, अब मैं काम पे जाऊं? बेटे ने कहा, ठीक है। फिर उसके पिता वहां से चले गए। बेटा वहां खुशी-खुशी उस नौके को पानी में तैरा रहा था। फिर अचानक वहां पर पानी की तेज लहर आई और वह नौका पानी में मिलकर काफी दूर चला गया। अपने नौके को खोने के गम में बेटा परेशान हो गया और जोर-जोर से रोने लगा। घर लौटकर उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। पिता आश्चर्य हो गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। पर बेटे के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसे वह बहुत पसंद था। पिता ने कहा, उसे भूल जाओ बेटा, और उसे गले लगाकर प्रेम से शांत करवाया। कुछ देर बाद बेटे का रोना बंद हुआ और वह शांत हो गया। दूसरे दिन वह फिर से स्कूल जाने लगा, पर उसे अपने नौके की बहुत याद आती। वह हर रोज स्कूल जाता। एक दिन उसे रास्ते में एक दुकान पर नौका दिखाई दिया। वह देख उसने कहा, यह तो मेरा है। वहां जाकर उसने नौका उठाया और नंबर देखा तो वह उसके जैसा ही था। उसने कहा, यह मेरा है। दुकानदार ने कहा, नहीं, पहले पैसे लाओ। उसने फिर कहा कि यह तो मेरा ही है। दुकानदार ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। वह सोचने लगा कि अगर मैं यह बात पिता से कहूँ तो वह बाद में लेने को कहेंगे और मुझे वह बहुत पसंद है। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौटते समय एक जगह पर रुककर जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया और काम खत्म करने के बाद वह घर जाता। पैसे जमा करने के लिए वह हर दिन यह काम करता और जिस दिन उसके पैसे जमा हो गए उस दिन वह खुशी से उस दुकान पर नौका लेने के लिए गया और दुकानदार को पैसे देकर नौका खरीद लाया, जिसे पाकर उसे बहुत खुशी हुई। जब पिता घर पर लौटे तो उसने नौका दिखाकर कहा, देखिए ये मैं खरीद लाया। उसे देख पिता हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फिर बेटे ने पिता को बताया कि स्कूल खत्म होने के बाद मैं जूते पॉलिश करने का काम करता था ताकि मैं पैसे जमा करके यह नौका ले सकूं। यह सुनकर पिता को बेहद आश्चर्य हुआ और वह भावुक होकर रोने लगे और अपने बेटे को गले से लगा लिया।